नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को अपने पक्ष में कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राठ में स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि पर पुष्प अर्पित की और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही सीएम योगी ने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बुंदेलखंड में पूरे तरीके से गुंडा राज और माफिया राज खत्म हो चुका है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कानपुर की 5 विधानसभाओं में डोर टू डोर कैंपेन किया। प्रियंका गांधी ने सीसामऊ और आर्यनगर समेत 5 विधानसभाओं में रोड शो किया। बता दें कि सीसामऊ से प्रत्याशी हाजी सुहेल अहमद और आर्यनगर से प्रत्याशी प्रमोद जायसवाल के लिए प्रचार किया गया। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट के लिए अपील भी की। वहीं अयोध्या में मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। साथ ही प्रत्याशियों के गांव-गांव की दौड़ तेज हो गई है। इसी कड़ी में बीकापुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार सुनील पाठक ने दलित बस्तियों के साथ अपना चुनावी कैंपेन तेज कर दिया। बचरामपुर व चांदपुर में गांव मतदाताओं के बीच जाकर पिछली सरकारों की नाकामी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल की सुशासन वाली व्यवस्था को याद दिलाते हुए समर्थन मांगा। मीडिया से रूबरू होते हुए बसपा प्रत्याशी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इसी के साथ बसपा प्रत्याशी ने जनता से वोट की अपील की। जो बच्चे हमारे कीर्ति पास करके वो प्राथमिक शिक्षा में करते हैं, उसमें कुछ पर्चे लीक हुए थे। बड़ा पुराना मामला है और उसमें जांच पड़ताल कोई ठीक से नहीं हुई और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। और सरकार माननीय बहन जी की बनेगी तो जांच करा करके कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। सो गई है, आप घूम लीजिए, कैमरा लेके जाइए, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर पे एक भी सड़क, 90% सड़क नष्ट हो गई है। नल जो लगे हैं इंडिया अमेरिका टू, वो विखंडित हैं, बेकार हैं, खराब हैं। पानी का इंतजाम नहीं है। मैं स्वास्थ्य केंद्र पे गया, वहाँ डॉक्टर नहीं मिले, दवा नहीं है। बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय जो होने चाहिए। बिजनौर में 14 फरवरी को मतदान के बाद से सपा और रालोद में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा चिंता नजर आ रही है। दोनों दलों ने अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी सेंट्रल वेयर हाउस के दोनों गेट पर लगाई है ताकि अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले वाहनों पर 24 घंटे कड़ी नजर रखी जा सके। सोमवार को जिले की सभी 8 सीटों पर मतदान हुआ था। मतदान के बाद सभी ईवीएम को नजीबाबाद रोड स्थित सेंट्रल वेयर हाउस में विधानसभा वार रखा गया। बता दें कि ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं और सीसीटीवी से निगरानी भी रखी जा रही है। वहीं सेंट्रल वेयर हाउस में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वेयर हाउस के बाहर सपा और रालोद कार्यकर्ताओं ने शिविर लगाया है। ये सेंट्रल वेयर हाउस में जो हमारी ईवीएम मशीनें रखी गई हैं उनकी रखवाली कर रहे हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है
कि कहीं भी विश्वसनीयता नहीं रही। और आम तौर पर ये पूरे हिंदुस्तान में देखा गया है कि ईवीएम को भी उलट पुलट करने का काम ये लोग करते हैं, और कहीं ना कहीं बेईमानी की नीयत इनकी हर समय रहती है। इसलिए हमारे सब प्रत्याशियों ने तय किया है कि उनके सारे आदमी पूरे वेयर हाउस की रखवाली करेंगे, और इनका इंचार्ज हमने गौरव चौधरी जी हैं उनको बनाया है, और पूरी मुस्तैदी के साथ ये कितना भी जोर लगा लें, ज़रा सा बेईमाना हम लोग होने नहीं देने के। खबर रायबरेली से है, जहां ग्राम प्रधान दीपक पासवान सहित सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस में हुई शामिल। कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि मैं अपने पूरे समाज के साथ साथ पिछड़े दलित और कमजोर वर्ग को कांग्रेस में लाकर सुधा द्विवेदी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। साथ ही ग्राम प्रधान पलिया दीपक पासवान ने कहा है कि कांग्रेस की नीतियों के साथ साथ श्री फाउंडेशन के द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों से प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। मैं कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस को ज्वाइन कर रहा हूं, और श्री फाउंडेशन की तरफ से जो भी कार्य किए गए हैं, गरीब शोषित दलित समाज में जो भी लड़कियों की शादी की गई है, उससे प्रभावित होकर श्री फाउंडेशन परिवार से भी जुड़ रहा हूं। मैं पूरे अपने समाज को लेके पूरी ताकत के साथ सुधा द्विवेदी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। हमारे साथ आज की डेट में 100 लोगों के साथ आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूं, और आगे चल के हमारे साथ हजारों की संख्या में जो भी वोटर हैं उनको लेके सुधा द्विवेदी के प्रचार में उतरूंगा। देवरिया में पत्थर देवा, सलेमपुर और भाटपर रानी विधानसभा से एक एक प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए हैं। बता दें कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन के लिए 16 फरवरी तक नाम वापसी होना था, और 80 प्रत्याशियों का नामांकन चिन्ह मिला, जिसमें से 22 प्रत्याशियों का पर्चा निरस्त हुआ। देवरिया सदर से अजय प्रताप सिंह को साइकिल का चुनाव चिन्ह मिला। सदर से भाजपा प्रत्याशी शलभ मणि त्रिपाठी चुनावी मैदान में है। इसके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम नारायण सिंह को चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा मिला है। ये है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, बेरोजगारी और इसको निजात दिलाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। हमारे समाजवादी पार्टी के संकल्प पत्र में जो है वो पूरे प्रदेश के आवाम के लिए इंतजाम करने की बात है। लोगों का मुद्दा विकास का मुद्दा है, जनता के बीच में जाएंगे, घर घर जाएंगे, और जो भी हमारी समस्याएं हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। अलीगढ़ के 3 दर्जन छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। ये छात्र यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन रूस द्वारा यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लेने से युद्ध की आशंका बनी हुई है, और यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर परिजन काफी चिंतित हैं। वहीं परिजनों ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री S. जयशंकर के साथ ही दूतावास से फंसे छात्रों को एयरलिफ्ट कराने की मांग की है। आज जब हालत आज और कल में युद्ध की बन रही है, उसमें कल 15 तारीख को दोपहर में एक रेगुलेटरी एडवाइजरी जारी करी गई कि इंडियन स्टूडेंट्स अपने घर जा सकते हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्यचकित करने की बात यह है कि फ्लाइटों की पोजीशन जो 22,000 और 23,000 रुपये फ्लाइट का किराया जाता था, आज 1 और 1.5 लाख रुपये किराया वहाँ हो रहा है। लेकिन आज उसके बावजूद भी यहाँ फ्लाइट नहीं है, कई कंट्री ने अपनी फ्लाइटें कैंसिल कर दी है इस मुद्दे को लेकर। तो सबसे बड़ा दिक्कत हम लोगों का यह है कि इंडियन गवर्नमेंट से हम यहाँ माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे कि वो प्रधानमंत्री महोदय को त्वरित जो है मेल करें, और यहाँ की वेदना को, यहाँ की पीड़ा को वहाँ तक पहुँचाएं, ताकि वहाँ से जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनको या तो अगर ऐसी आपदा की स्थिति है तो एयरलिफ्ट कराने की व्यवस्था भारत सरकार कराए और उनकी सुरक्षा की गारंटी ले। ये सभी गार्जियंस हैं, ये यूक्रेन में इनके बच्चे हैं, तो उनको यहाँ भारत लाने के लिए इन्होंने ज्ञापन दिया है कि वहाँ पर टिकट बहुत महंगी हो गई है और टिकट काफ़ी दिनों बाद मिल रही है, तो मेरे हम लोगों के बच्चों को जल्दी से जल्दी वहाँ से बुलवाया जाए। इस संबंध में आप लोगों ने जो है माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार को ज्ञापन भेजने के लिए अपना ज्ञापन दिया।
अयोध्या में सोमवार को स्कूल प्रबंधन द्वारा सरकारी जमीन हथियाने का मामला सामने आया है। वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन ने निर्माण कार्य को चुनाव संपन्न होने तक रुकवा दिया। बता दें कि बुधवार को एक बार फिर प्रबंध तंत्र द्वारा स्थानीय प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करते हुए निर्माण कार्य शुरू किया गया, तो गाँव के सैकड़ों लोग वहां मौके पर पहुंचकर विरोध करने लगे और स्थानीय पुलिस प्रशासन एक बार फिर मौके पर पहुंचकर मामले में बीच बचाव किया। दो दिन पहले भी हम इसकी जानकारी दे चुके हैं और उसके बाद हम लेखपाल से भी बात किए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि चुनाव में जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक इसकी पैमाइश नहीं हो पाएगी, इसके बाद ही काम शुरू होगा। लेकिन सुबह जब हम आए तो देखे तो कम से कम 150 लोग थे और वहाँ पे एक महिला भी थी जो हमारे बदतमीजी से बात कर रही थी, गाली दे रही थी। उसके बाद उनके भी वकील साहब भी आए और मुझे 10 लाख रुपये की ऑफर भी दे रहे थे कि आप 10 लाख रुपया ले लीजिए और यहाँ से हट जाइए, लेकिन ग्राम समाज की इतनी कीमती जमीन है हम इसको कैसे छोड़ दें। और ये जबरदस्ती उसके बाद बिस्मिल्ला खां का फोन आया और कह रहे हैं कि काम करो, जो होगा यहाँ पे देखा जाएगा। खबर चंदौली से है जहां पुलिस ने बैंक में लॉकर काटकर करोड़ों का माल उड़ाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। बैंक के अंदर हुई अब तक की सबसे बड़ी घटना का चंदौली पुलिस ने खुलासा किया, जहां इंडियन बैंक में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 8 शातिर बदमाशों को चंदौली पुलिस ने दबोच लिया है। बता दें बीते 30 जनवरी को बदमाशों ने इंडियन बैंक के अंदर 41 लॉकर काटकर करोड़ों का उड़ाया था। माल 15 लाख नकदी सहित कुछ सोने सहित तमंचे और कारतूस बरामद किए गए। वहीं चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये हमारा चंदौली कस्बे में इंडियन बैंक का 38 लाकर तोड़ के उसके अंदर जितने जेवरात है सारे जेवरात और 1.5 लाख रुपया का जो पैसा ये सब लूट के भाग गया था। और उसके बाद फिर एसपी चंदौली और एडीजी साहब और हम मैं स्वयं हम लोग जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया। जानकारी मिली है ये झारखंड का एक बड़ी गैंग है, वो ये लॉकरों पर और इस तरीके से जो है ये लॉकर तोड़ के गैस कटर से ये अपराध कर रहे हैं। तो एसपी चंदौली के द्वारा 3 टीमें रवाना किया गया था, एक रांची की तरफ गई, एक जो है झारखंड में भेजा गया था और ये साहेबगंज और राजमहल थाना एरिया में काफ़ी ये लोग जानकारी हासिल किया। फिर पूरा जानकारी हासिल करने के बाद फिर एक टीमें जो है फिर दबिश देना शुरू किया। दबिश के दौरान कल रात को कुल 8 अभियुक्त गिरफ्तार हुआ, अभी 5 फरार है और ये 8 अभियुक्तों से सोना का ज्वेलरी बरामद हुआ। यूपी के संभल जिले में एक झोला छाप डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने आए मरीज की मौत हो गई। युवक की मौत से परिवार में मातम का फैला हुआ है। बता दें कि जिले में हजारों अस्पताल खुलेआम संभल सीएमओ की पीलीभीत से चल रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शॉप का पंचनामा भरकर जांच में जुट गई है। मामला बहजोई थाना के चित्तौर का है। इसको थोड़ा दर्द महसूस हुआ, ये दवाई लेकर आया और इसने 1 बजे दवाई खाई थी, आधी रोटी खाकर, और दवाई खाते ही इसके शरीर में आग हो गई। आग होने के बाद में कपड़े फालने लगा और ये पटक खाई, खत्म हो गई। कौन था ये? ये हमारा लड़का। क्या नाम है? लाल। लाल, लाल था। तो दवाई कहाँ से ली थी? दवाई इस मोहल्ले में। चित्तौर रोड पे। चित्तौर रोड पे। किससे ली? डॉक्टर से ली। कौन सा डॉक्टर है? नाम क्या उसका? सालिम। 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 अस्पताल का क्या नाम है? अब वो डॉक्टर भाग गया। क्या अस्पताल है उसका यहाँ पे? नहीं अस्पताल नहीं, दुकान खोला। दुकान खोल लेंगे। भाग गया। भाग गया। बदायूं में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में तैनात मुख्य आरक्षी श्री राम यादव की आकस्मिक मौत हो गई। आज ड्यूटी के दौरान मुख्य आरक्षी की अचानक तबियत खराब हो गई, जिसकी सूचना पर पुलिस बल की तरफ से तत्काल उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं उनके पार्थिव शरीर को पुलिस लाइन में राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खबर संभल से है जहां लड़के वालों ने दहेज में 1,20,000 रुपए और बुलेरो कार मांगी थी। मांग पूरी ना हो पाने पर दहेज लोभियों ने रिश्ता तोड़ दिया। आपको बता दें रिश्ता टूट जाने की खबर सुन के लड़की का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी।
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।